उत्तराखंड आपदा में अब तक 26 लोग के शव बरामद, 171 लोग अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तपोवन में उत्तर प्रदेश के 38 लोग लापता, लखीमपुर खीरी के रहने वाले 30 लोग लापता, श्रीवस्ती और 5 सहारनपुर के लोग लापता। तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राहत और बचाव कार्य का किया मुआयना। तपोवन आपदा पर बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तपोवन में नहीं था कोई ग्लेशियर, चट्टान और भारी बर्फ के खिसकने से हुई तबाही। उत्तराखंड के सांसदों ने पीएम मोदी के मुलाकात की है, मौजूदा हालात पर लेकर हुई चर्चा, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने तपोवन का किया दौरा, कहा अभी भी टनल में 180 मीटर और जाना बाकी। तपोवन टनल में फंसे लोगों की जिंदगी को लेकर जगी उम्मीद, 180 मीटर भीतर है की पॉइंट पर ऑक्सीजन होने की उम्मीद। हैवी स्नोफॉल की वजह से उत्तराखंड पर टूटा आफत का पहाड़, बर्फ की बूंद से ग्लेशियर और पहाड़ के खिसक कर मचाई तबाही, सरकार ने इसरो से ली मदद। मलबे से भरे टनल के अंदर तस्वीरें आई सामने, जेसीबी के साथ टनल की खुदाई में जुटा राहत और बचाव कर। तपोवन टनल के करीब 35 लोग के फंसे होने की आशंका, आईटीबीपी के 300 जवान टनल को खोजने में जुटे हुए। चमोली में तपोवन टनल में करीब अब से 130 मीटर तक टनल को हटाया जा चुका है मलबा, और सुबह तक टनल के दूसरे छोर पर पहुंचने की उम्मीद। तपोवन में टनल में मलबा हटाने का काम जारी है, जेसीबी की मदद से आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम टनल की कर रही है खुदाई। डीआरडीओ एसएएससी के वैज्ञानिकों की टीम जोशीमठ पहुंची है, रेस्क्यू टीम की मदद में जुटे हैं वैज्ञानिक। मलबे से निकाले गए लोगों को तुरंत दी जा रही मेडिकल सुविधाएं, ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण कई लोगों को लगाए जा रहे हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर। तपोवन बांध के पास मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं खोजी कुत्ते, लोगों की तलाश के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का लिया जा रहा है सहारा। जोशीमठ में रेस्क्यू में जुटे राज्य के सभी बड़े अधिकारी, उत्तराखंड के एडीजी ने मनोज रावत ने कहा कल सुबह तक पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड त्रासदी पर पीएम मोदी की नजर, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को कई बार किया फोन कॉल। राज्यसभा में किसान आंदोलन पर बोले पीएम मोदी, कहा किसान आंदोलन किस बात को लेकर हो रहा है अभी तक नहीं पता चला, हम चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी ने एक बार फिर से कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, पीएम ने किसानों के आंदोलन खत्म करने की अपील की। आंदोलनकारी और विपक्ष से पीएम मोदी ने पूछे तीखे सवाल, कहा योजनाओं से 12 करोड़ छोटे किसान गायब क्यों, चुनाव के दौरान कर्ज माफी पर कार्यक्रम पर भी उठाए सवाल। कृषि कानून पर बोले पीएम मोदी, सुधारों की बात करने वाले अचानक यू टर्न लेते हैं, मेरी बात न मानने के लिए मनमोहन सिंह की कही हुई बात तो मान ले कांग्रेस वाले। कृषि कानून पर पीएम मोदी ने डेयरी उत्पादक का दिया उदाहरण, विपक्ष और आंदोलनकारियों से पूछा क्या पशुपालन के पशु डेयरी के मालिकों को कब्जा है। पीएम मोदी ने विपक्ष से पूछे कई तीखे सवाल, कहा पशुपालकों की तरह छोटे किसानों को भी आजादी क्यों न मिले। पीएम मोदी ने विपक्ष से कहा आंदोलनकारियों को समझते हुए देश के लिए अच्छा करना होगा, आप मुझे गालियां देते रहे लेकिन देश के लिए अच्छा करें। पीएम मोदी ने विपक्ष और किसानों के सुधारों को मौका देने की अपील की, कहा कोई दिक्कत होगी तो सुधार लेंगे, कानून में बुजुर्गों को बैठना ठीक नहीं। राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ी, अफसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तू चुपचाप खड़ा है। लोकसभा बुधवार को होगा पीएम मोदी का भाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 10 फरवरी को शाम 4 बजे चर्चा का देंगे जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में राजनाथ सिंह की अपील के बाद शांत हुआ विपक्ष, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा किसानों को दुश्मन न समझे सरकार। किसान आंदोलन पर झारखंड में सियासत तेज, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि बिल को बताया किसानों के खिलाफ डेथ वॉर। पीएम मोदी की अपील में टिकट पर नहीं पड़ा कोई असर, कहा और तेज होगा हमारा आंदोलन, देश भर में जाकर किसानों से करेंगे बात। लखनऊ में क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, खालिस्तानी आतंकी जगदेव सिंह जग्गा गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश में बड़ी वारदात की तैयारी में था जगदेव। महाराष्ट्र सरकार रेहाना को जवाब देने वाले हस्तियों के ट्वीट की कराएगी जांच, तेंदुलकर, कोहली, लता मंगेशकर समेत कई लोगों के खिलाफ जांच के आदेश।
जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। भारतीय सीमा में 40 मीटर अंदर मिला घुसपैठ का शव। गुग्गार गैंग को फिर झटका, कुपवाड़ा में पीसी का कब्जा, डूंडा उधमपुर में बीजेपी के चेयरमैन। पाकिस्तान में सरल उद्घाटन के बाद केक की लूट की तस्वीर आई सामने, ज्यादा से ज्यादा केक लूटने पर दिखाई दी। 4 साल की सजा काट रहे तमिलनाडु लौटी शशिकला, समर्थकों के बीच जबरदस्त हुआ स्वागत। भारत में वैक्सीन लगाने की रफ्तार सबसे तेज, 24 दिन में 60 लाख लोगों को वैक्सीनेशन। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,831 नए मरीज आए सामने, जबकि 84 लोगों की हुई मौत। एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,48,600 हो गई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,663 नए आए केस सामने, एक दिन में पूरे राज्य में कोरोना के 30 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के सोलापुर में बीजेपी नेता पर काली स्याही डालने के मामले में 17 के खिलाफ एफआईआर। रविवार को शिवसैनिकों ने बीजेपी नेता के साथ की थी मारपीट। बीजेपी ने सीएम उद्धव ठाकरे की आलोचना की, ठाकरे की आलोचना से भड़के थे शिवसैनिक, शिवसैनिकों की कर्तव्य था सामने। अयोध्या में घनीपुर में बनने वाली मस्जिद की जमीन पर दो बहनों का दावा खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में खारिज की याचिका। गाजीपुर दौरे पर गरजे सीएम योगी, कहा पूर्वांचल के विकास में बांधक रहे माफियाओं पर कसा शिकंजा, उत्तर प्रदेश में माफियाओं की संस्कृति को तबाह कर देंगे। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार कल, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बनाए जा सकते हैं मंत्री, के नए चेहरों को मिल सकता है। जेएमएम पश्चिम बंगाल में 2 दर्जन से अधिक सीटों पर लड़ेगा चुनाव, आदिवासी बहुल सीटों पर रहेगा फोकस। मुरैना में सामने आई तहसीलदार की हनक, अतिक्रमण हटवाने के दौरान ठेला लगाने वाले युवक को मारी लात, चालान काटने के बजाय मुर्गा बनाने पर सुनाया फरमान। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर उठक, ढाई ढाई साल का सीएम का मुद्दा, बिलासपुर में बोले गृह मंत्री, टीएस बाबा की बात पर जाने, बीजेपी पतंज कहीं नहीं, आग तभी उठ रहा है। जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट पर गहलोत सरकार सख्त, प्रोजेक्ट में ढिलाई हुई तो इंजीनियर्स पर होगी कड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा में युवक से बर्बरता, खेत में युवक को नंग करके पीटा, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बस्तर में नक्सली ठिकाने का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारी बरामद।